doesn't mean to hurt anyone enjoy कुछ सवाल कुछ जवाब किस से कॉन्ट्रोवर्शियल फैमिली से पहला सवाल क्या सच में कोई लड़ाई हुई भी थी क्या इन फैमिलीज में कोई सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भी थी या बस डॉलर्स के लिए किया गया था ड्रामा क्या था सच आखिर क्या सच है आखिर अगर सच में लड़ाई हुई थी और ड्रामा नहीं था तो कहाँ गया वो सेल्फ रिस्पेक्ट और अगर लड़ाई नहीं भी थी सिर्फ ड्रामा ही था तब भी वो सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गया सवाल तो सेल्फ रिस्पेक्ट का है दोनों ही केस में आखिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट अब कहाँ गया चलो तो हम बात करते हैं शुरुआत से कि आखिर लड़ाई शुरू कहाँ से होती है तो दीदू ने बताया था कि लड़ाई शुरू होती है जब प्रीतो की मम्मी को उनके ससुराल में एंट्री नहीं मिलती जिससे दीदू का ईगो हर्ट हो जाता है और दीदू इस बात को अपने व्लॉग में कुछ दिनों के बाद ही बता देती हैं आई I मीन mean, शो कर देती हैं कि उनका ईगो हर्ट हो चुका है और वो प्रीतों के ससुराल वालों से नाराज़ हैं जले पे नमक तब छिड़का जाता है जब प्रीतों के ससुराल वाले दीदू के लिए इनविटेशन नहीं भेजते हैं बेबी के फंक्शन के लिए फिर तो दीदू का ईगो और भी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और बम बन के फूट पड़ता है अब देखो ये जो बात शुरू हुई थी वो बेबी के पैदा होने के दिन ही शुरू हुई थी ईगो उसी दिन हर्ट हुआ था लेकिन प्रीतो का ईगो कब हर्ट हुआ बेबी के एक महीना होने के बाद तो एक महीने तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उनकी मम्मी को एंट्री मिली नहीं मिली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो अपने ससुराल में ही थी उनकी ईगो भी हर्ट नहीं हुई थी एक महीने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ जब इनकी ईगो हर्ट हो गई और ये चुपके से अपने मायके आ गई हैं वो भी अपने कपड़े लिए बिना बेबी के कपड़े भी नहीं लिए और तो और अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम व्लॉगिंग का स्टफ नहीं लिया अपना कैमरा नहीं उठाया लैपटॉप भी नहीं उठाया बस बिना बताए किसी को भी आ जाती हैं अपने मायके ऐसा हुआ क्या था उस दिन तो जब लड़ाई शो करनी थी आपस में ड्रामा दिखाना था तो आपस में मिलकर इन लोगों ने कोई भी प्लानिंग नहीं की जो दीदू के दिल में आया वो दीदू ने बोला फिर जो अक्कू के दिल में आया की वीचड़ वी चढ़ उन्होंने बोला और फिर मम्मी पीछे कैसे रहती और पप्पू का तो पीछे रहना बनता ही नहीं था उन्होंने भी कीचड़ कीचड़ गेम खेलना शुरू किया तो मतलब ड्रामा करना था तो कोई प्लानिंग नहीं की गई लेकिन अब जब सबको ये दिखाना है कि हम तो हैप्पी हैप्पी हैं तो सब ने मिलकर प्लानिंग की है चाहे वो दीदू हो पप्पू हो अक्कू हो या फिर प्रीतो सब ने प्लानिंग की और किसी ने भी अपने व्लॉग में भनक तक नहीं लगने दी कि अब जो हैं सब लोग अपने अपने टूर पे निकलने वाले हैं ऐसा किस लिए किया गया तो इसका जवाब है डॉलर्स। जी हाँ अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो उसमें लड़ाई डाल दो लड़ाई डालोगे तो डॉलर्स मिलेंगे और फिर अभी जब सब लड़ाई लड़ाई दिखा रहे हैं लड़ाई लड़ाई हो रही है तो प्यार दिखा दो फिर से डॉलर्स मिलेंगे तो भैया हम तो ऐसे ही लोगों को उल्लू बनाएंगे कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। अब देखो जो दीदू हैं जब लड़ाई हुई तो उन्होंने खुल के बताया अपने चैनल पर हर व्लॉग में दिखाया कि हाँ लड़ाई है चाहे वो कमेंट सेक्शन हो या फिर व्लॉग हो चाहे खुद का व्लॉग हो या प्रीतों का व्लॉग हो सब में खुल के सबको बताया कि हाँ लड़ाई है हमारे बीच में दरार चल रही हैं तो दीदू फिर सुलह का क्यों नहीं बताया जब प्रीतो को अक्कू के साथ पे टूर पे जाना था तुमको भी निकलना था तो वो क्यों नहीं बताया तुम्हारे पेट में तो कोई बात डाइजेस्ट नहीं होती है ना तुम तो सच्चाई की मूरत हो ना तो फिर ये सच्चाई क्यों छुपाई अपने व्यूवर से तुम अपने सब्सक्राइबर्स को फैमिली मानते हो ना तो अब आपकी वो फैमिली कहाँ गई क्या आपकी ये फैमिली सिर्फ जब लड़ाई करनी होती है तब आपको याद आती है क्या सिर्फ आपको वो लड़ाई वाली बातें ही बताना याद आता है और प्रीतों ने तो अच्छे से दिखाया कि वो सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली मानती हैं या कुछ और जब आपको गालियाँ मिल रही थी तो प्रीतों ने अपने ही सब्सक्राइबर्स के थप्पड़ लगाया था अब वो थप्पड़ वो सच में सब्सक्राइबर्स को लगाना चाहती थी या अक्कू को वो तो आप भी जानते हैं और हम भी क्योंकि आपकी बुराई तो उनके घर में चल रही थी और गुस्सा किस पे निकला सब्सक्राइबर्स पर तो चलो अब आते हैं हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स बनाने वाले अक् पर अक् आप हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स बनाना चाहते हो ना पर क्यों क्यों फ़ेक दिखाना चाहते हो क्योंकि हैप्पी हैप्पी पूरी लाइफ में पूरा दिन तो कोई नहीं रहता तो फिर आप क्यों हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स दिखाना चाहते हो क्यों फ़ेक व्लॉग दिखाना चाहते हो फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो ना मम्मी की रिस्पेक्ट करते हो सिस्टर की रिस्पेक्ट करते हो है ना कुछ ऐसे ही कमेंट्स मिलते हैं ना आपको बट ये जो इंसान है वो घुन्ना इंसान है घुन्ना मतलब मुंह पे कुछ और और दिल में कुछ और उसी टाइप का इंसान है और इनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद हैप्पी हैप्पी व्लॉग दिखाना चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा मैं हैप्पी हैप्पी व्लॉग दिखाऊंगा और बीच पीच में कीचड़ फेंक दूँगा तो अक्कू ये बताइए कि आपने उनको कीचड़ बोला उन्होंने आपको कीचड़ बोला यहाँ तक तो ठीक था कि आप लोगों ने एक दूसरे पे कीचड़ उछाला और अब आप लोगों की आपस में हो गई है सुलह लेकिन आपकी मम्मी और बहन का क्या क्या उनकी भी सुलह हो गई है या नहीं हुई है वो भी हमें बता देते अपना दिखाया है तो थोड़ा उनका हाल भी सुना देते पर जाने अनजाने आपने ये बता दिया है कि आपकी मम्मी अभी भी है नाराज़ प्रीतों से ही नहीं अब वो आपसे भी नाराज़ हैं कैसे पता चला जब अक्कू अपने टूर से वापस आते हैं अपने घर पे तो उनको वहाँ क्या मिलता है घर पे लगा हुआ है ताला अब ये बताइए कि उनकी मम्मी अगर जा रही हैं ताला लगा कर तो क्या वो उनको नहीं बताएंगी फ़ोन करके कि मैं जा रही हूँ मैं घर पे नहीं हूँ किस लिए नहीं बताया क्योंकि वो हैं उनसे नाराज जब अक्कू घर पे पहुंचते हैं तो उनको ये तक नहीं पता होता कि उनकी मम्मी कहाँ हैं वो रात तक भी नहीं आती और वो यही बताते हैं कि मामा के घर गई होंगी क्योंकि काफ़ी टाइम से मम्मी जो है वो प्रीतों की वजह से घर पे ही थी तो अब मम्मी को मौका लगा है तो ऐसा तो नहीं है अक्कू की मम्मी को मौका अभी लगा है अभी भी तो आप रात को अकेले ही थे ना तो जब प्रीतो तो अपने मायके गई थी तब भी आपकी मम्मी अपने मायके जा सकती थी लेकिन अब क्यों गई क्योंकि आपने कर ली है प्रीतों से सुलह लेकिन मम्मी की इज्जत की उड़ाई थी धजियां और उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है चलो जो भी है पर एक बात बताओ कि जब भी आप लोगों को एक दूसरे की बुराइयां करनी होती हैं आप एक दूसरे से फ़ोन पे नहीं पूछते फ़ोन पे नहीं बताते फ़ोन पे डिस्कस नहीं करते डायरेक्ट अपने व्लॉग्स में बोलते और उसी की वजह से बन जाता है तिल का ताड़ ईशू बन जाता है सोशल मीडिया पे बातें बन जाती हैं उड़ने लगती हैं और जब व्यूवर्स अपने ओपिनियन को आपके कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो फिर आप लोग गुस्सा भी दिखाते हैं लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लोगों में सुलह हो रही है तो फिर आप लोग अपने व्लॉग्स में क्यों नहीं दिखा रहे आपने डायरेक्ट व्लॉग डाल दिया कि हम दोनों साथ में घूम रहे हैं पर लोगों को इतना कंफ्यूजन में क्यों डाल देते हो कि अभी तो लड़ाई थी आज ये दोनों एक साथ कैसे हो गए हो जाओ अच्छी बात है लेकिन जिस तरह से आपने डाला कि लड़ाई हुई है उसी तरह से ये भी डाल देते कि सुलह हो गई है लेकिन आप लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोग घूमने जाएंगे, शॉपिंग भी की क्योंकि घूमने जाना था नए नए कपड़े चाहिए थे आप लोगों ने शॉपिंग भी की वो शॉपिंग आप लोगों ने अपने व्लॉग्स में भी डाला लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि ये शॉपिंग किस पर्पस से की गई है वो तो छुपाना था ना क्योंकि बाद में सरप्राइज़ व्यूज़ भी तो कमाने हैं और गाइज़ आपको क्या लगता है ड्रामा अभी ख़त्म हो गया है तो बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि अक्कू और प्रीति जब घूमने जाते हैं तो अक्कू प्रीतों को कहाँ से पिक करते हैं और कहाँ पे ड्रॉप करते हैं ये तो उन्होंने दिखाया ही नहीं बीच रास्ते से अपनी वाइफ को अपने एक मंथ के बच्चे के साथ वो पिक कर रहे हैं उनका घर तो आस ही है फिर उन्होंने घर से पिक क्यों नहीं किया क्या प्रीतो को उन्हीं की सिस्टर ने ड्रॉप किया था और पिक किसने किया क्या अक्कू ने प्रीतो को घर पे ड्रॉप किया था या रस्ते में ही छोड़ दिया था तो गाय सस्पेंस तो अभी भी बरकरार है सुलह पति पत्नी में तो हो गई है पर प्रीतो क्या आप अपने व्यूवर्स से भी सॉरी कहेंगी क्योंकि बदतमीजी तो आपने अपने व्यूवर्स के साथ भी की है ये वही व्यूवर्स हैं जिनकी वजह से आप डॉलर्स कमा रही हैं और आपने उन्हीं पर थप्पड़ लगाया था अगर व्यूवर्स आपके व्लॉग्स देखते हैं तो उनका हक बनता है आपसे सवाल करने का आपने आधी अधूरी जानकारी अपने व्यूवर्स को दी अब अगर आधी जानकारी दोगे तो सवाल उठना बनता है और ये नेचुरल है उसी बेस पे लोग जज भी करेंगे क्योंकि यही तो दुनिया है फिर आप अपने आप को सही कैसे कह सकती हैं या तो आप पूरी बातें दिखाएं और या फिर ना दिखाएं। जैसे कि आप सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग की कि आप लोग जो टूर पे जा रहे हैं अक्कू से मिलने जा रही है दीदू अपने हस्बैंड के साथ जा रही है और चारों व्लॉगर्स में से किसी ने भी ये पहले लीक नहीं की इन्फॉर्मेशन तो इसी तरीके से बाकी बातें भी आप लीक ना कीजिए ताकि व्यूअर्स को ऐसे सवाल उठाने का मौका ही ना मिले तो गलती पहली आप लोगों की है व्यूअर्स की नहीं है ओके okay गाइस, तो आप भी अपने सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं या अपने ओपिनियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग